चीन तों विश्व भर विच फैलिया करोना वायरस अज हर किसी के गले की हड्डी बन चुका है। हजारा लोग इस भयानक वायरस की भेट चढ़ चुके ने ते हजारा चढ़न वाले ने। अजिहे हालातों देखते हुए यूएस की एक कंपनी ने हुण चीन उपर दुनिया भर विच करोना वायरस फैलाउण दा इल्जाम लगाया है, जिसके लिए कंपनी ने चीनी सरकार उत्ते $20 ट्रिलियन के नुकसान लिए मुकदमा भी कर दिता है। कंपनी का दोष है कि चीन ने जीवाणु हथियार वजो यह वायरस खुद ईजाद किया ते फिर इसनू फैला दिता। जी हाँ, यह दावा है अमरीका के टैक्सस की कंपनी बज फोटोज और फ्रीडम वॉच नामी संस्था का। इन्हों दोवां अदारियां दे वकील लैरी क्लेमैन ने चाइना सरकार, चाइना फौज, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान इंस्टीट्यूट के डायरैक्टर शी जेंगली और चीनी सेना के मेजर जनरल चेन वेई उपर सांझे तौर पर मुकदमा किया है। चीन ते यह इल्जाम है कि चीन का प्रशासन एक जैविक हथियार तैयार कर रहा है, जिस करके यह वायरस फैल गया। असल विच चीन ने अमरीकी नागरिकां नूं मारन अते बीमार करन दी साजिश रची है। चीन वल्लों विश्व पद्धर ते तबाही दे मंतव नाल करोना वायरस नूं बनाया गया है। अमरीकी कंपनी ने इस बारे कई मीडिया रिपोर्टां दा हवाला दिंदे होए कहा है कि वुहान विच इक माइक्रोबायोलॉजी लैब है, जो नोवल करोना वर्गे अति आधुनिक वायरसां दा मुकाबला करन लई ही बनी हुई है। चीन वल्लों राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल दे बहाने वजो इस नूं छुपाया गया है। हुण इन्हां गल्लां विच किन्नी क सच्चाई है, यह तो इस वायरस की जंग के खत्म होने तो बाद ही पता चलेगा। तुहाडे इस वायरस बारे की विचार ने तुसीं सानू कमेंट करके जरूर दसना। देश अते दुनिया दीआं होर खबरां लई देखते रहो पंजाबी बॉक्स।